गुड इवनिंग। कल हम लोग अरेंजमेंट चैप्टर शुरू किए थे और तीन वैरायटी आप उसमें सीखे थे। एक सिंपल कैलकुलेशन का चीज आपके पास था, कैसे फैक्टोरियल यूज करते हैं वो जाने थे, उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए थे। सेकंड कॉन्सेप्ट में यह सीखे थे कि अगर कोई रिपीटेड होता है तब उसको कैसे यूज करना चाहिए, और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस आप बनाए थे। तीसरे में आप यह सीखे थे कि आदमी ज़्यादा सीट कम या आदमी कम सीट ज़्यादा हो तब कैसे बनाना चाहिए, और उस पर भी आप क्वेश्चंस बनाए थे। अब फोर्थ वैरायटी उस कॉन्सेप्ट पर आते हैं। मान लीजिए पांच व्यक्ति है, सिर्फ पांच को अरेंज करना होता, सिर्फ पांच को अरेंज करना होता तो फैक्टोरियल 5 120 तरीके से आप अरेंज करते। लेकिन अब एक शर्त यहां पर है कि आप ऐसे अरेंज करना जिसमें ए और बी एक लगातार क्रम में ना हो। और यह भी ध्यान देना कि सी तथा डी हमेशा साथ रहें, यानी कुछ शर्त आपको दे दिए। अब इस शर्त के बेसिस पर आपको काम करना है, ये साथ रहेगा वो साथ नहीं रहेगा, उस तरह का शर्त। फिर एक कंडीशन ऐसा भी सीखेंगे कि बायां छोर पर कौन बैठे, बीच में कौन नहीं बैठना चाहिए, इस तरह का चीज होगा। अभी ऐसा लिखते हैं, ऐसा सीखते हैं, साथ रहे साथ न रहे। देखिए पॉजिटिव सेंस का भी इंफॉर्मेशन है साथ रहे, नेगेटिव भी है साथ न रहे, ये सब मिलाकर भी रहे ना एक अटेम्प्ट में काम हो जाएगा। कैसे? इतना जरूर है कि देखिए जब कोई शर्त नहीं था तो 120 कंडीशन, जब शर्त लगेगा तो निश्चित है नंबर ऑफ फेज ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वह घट जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आंसर 120 से कम रहेगा, यह आइडिया हो जाता है। अब देखिए कैसे काम करना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन जब शर्त वाला हो तो आप इंफॉर्मेशन जो है ना ए और बी साथ नहीं है, आप लिख लीजिए इसको रफ में, सी और डी साथ हैं, जब ही रहेगा साथ, ई के साथ कोई शर्त नहीं है लेकिन ई आपके लिस्ट में है इसलिए ई लिखिएगा अलग से, लिस्ट में है लेकिन उसके साथ कोई कंडीशन नहीं है वो आपका अलग से दिखाएगा। अब देखिए कैसे काम करेंगे, अभी आपको सीखना है इसलिए हम एक एक करके बढ़िया से चलेंगे। वहां पर तो खाली बस दो तीन नंबर लिखेंगे आप आंसर देंगे, अभी आप सीखना है उसके लिए देखिए क्या कीजिए। पहले स्टेप में क्या कीजिएगा, हर एक से शर्त वाला और बिना शर्त वाला सबसे एक एक आदमी बुलाइए। जैसे मैं ए और बी में से ए को बुलाता हूं, किसी एक को बुला लेना, सी डी में से सी को बुला लेता हूं, और ये बिना शर्त वाला ई तो आएगा ही आएगा। इस कंडीशन में ये तीन आदमी को हम कहीं भी बैठा सकते थे, बोले ए सी और ई में कोई शर्त नहीं है, आपस में कोई शर्त नहीं, ये तीनों कहीं भी बैठ सकता है। इसको लिखते फैक्टोरियल 3, ये लिखते फैक्टोरियल 3। देख लीजिए ध्यान से, ये पहला कंडीशन आपका, ये लिखा था फैक्टोरियल 3, फर्स्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अब क्या करना चाहिए, पॉजिटिव डाटा को पहले यूज करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट में ना हर एक से आप एक एक को बुला लीजिएगा, प्रत्येक से, चाहे शर्त वाला हो या ना हो, प्रत्येक समूह से एक आदमी आएगा। सेकंड में पॉजिटिव इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। लेकिन अभी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके पास ए तो है, सी है और ई है,
मन में आएगा नहीं ई पहले क्यों नहीं रहा, उसी के लिए तो मैंने फैक्टोरियल 3 किया था कि कोई आदमी कहीं बैठ जाओ इधर से उधर, 6 तरीका आपके पास है ए सी और ई का अरेंज करने का। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव डाटा है, सी और डी साथ बैठेगा। अब सोचिए सी अपनी कुर्सी लगाकर बैठा हुआ है, डी कहा कि हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, तो चाहे तो डी अपनी कुर्सी यहां लगाएगा या यहां लगाएगा। तो डी के लिए ये दो स्थान है, ये दो में से कहीं भी वह कुर्सी लगा लेगा, इसके लिए हो गया दो में से कोई एक यूज करेगा 2C1, चाहे यहां जाए चाहे यहां जाए, ये 2C1, ये काम हो गया। अब देखिए इस स्टेप के बाद ए आया, आपको डी यहां भी बैठा सकते हो, यहां भी जहां मर्जी, मुझे यहां मन कर गया मैंने यहां बैठा दिया, ये दोनों साथ हो गया है। अब क्यों नहीं इधर क्यों नहीं बैठा है, इधर ही वही चीज के लिए तो हमने 2C1 से किया है ये काम, ये ई। अब आपके थर्ड स्टेप की बारी आ गई, देखिए अब इस स्टेप में आपका जो बच गया इंफॉर्मेशन वो यूज करें। अब देखिए ये बी पहुंच रहा है अपनी कुर्सी लेकर, ए के बगल में नहीं बैठेगा, ना तो इधर ना तो इधर, बीच में नहीं जा सकता है चूंकि ये दोनों लगातार हैं, तो बी अपनी कुर्सी यहां लगा सकता है इन यहां पर बीच में, या यहां लगा सकता है किनारे। तो बोले इस बी के लिए ये दो स्थान है, चाहे तो वो इस तरफ बैठे चाहे तो इस तरफ बैठे, तो ये हो गया आपका फिर दो में से कोई एक। बोले अब अरेंज हो गया सब अपने आप, ए आया, डी और सी लगातार है, आपको जहां मर्जी बी बैठा दीजिए, चाहे इधर चाहे इधर, आपका आंसर तैयार है। फैक्टोरियल 3 इंटू 2C1 इंटू 2C1, ये वैल्यू 6 × 12 और 2 × 24 बन गया आंसर, कि 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई अगर एक पंक्ति में बैठते हैं, सी तथा डी लगातार स्थान पर हैं, ए तथा बी लगातार स्थान पर नहीं है, तो कितने प्रकार से इनका क्रम संभव है, यह आपका आंसर था। 24 तरीके से आप इनको बैठा सकते थे, हरेक से एक एक यूज करना है पहला स्टेप। दूसरा में ध्यान रखिएगा जितना भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है ना, सेकंड में थर्ड में सारा पॉजिटिव पहले यूज हो जाएगा, तब जाकर के आपका लास्ट में नेगेटिव इंफॉर्मेशन यूज होगा। लिख लीजिएगा, फिर इस पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, ये तो भी कॉन्सेप्ट सीखा आप कैसे काम करते हैं। ए और बी साथ नहीं, सी और डी साथ, ई से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन वो रहेगा, हर एक से एक एक, प्रत्येक समूह से एक, इसमें से एक ले लिया उससे एक उससे एक, ये फैक्टोरियल 3 हो गया। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन था सी और डी साथ रहेगा, तो डी चाहे तो यहां चाहे तो यहां, 2C1 हो गया उसके लिए। हम यहां पर डी बैठाए, अब बी अपनी कुर्सी यहां ए के बगल में नहीं बैठाएगा, बीच में जा नहीं सकता है, चाहे तो यहां चाहे यहां बैठेगा, फिर 2C1 हो गया। सात व्यक्ति है पी क्यू आर एस टी यू तथा वी, यू और वी लगातार कुर्सियों पर हैं, एक शर्त ये, पंक्ति में सात कुर्सियां हैं और प्रत्येक कुर्सी पर एक व्यक्ति है, क्यू तथा आर लगातार कुर्सियों पर हैं, यह दूसरा शर्त है, पी तथा एस लगातार स्थान पर नहीं है, यह तीसरा है। इंफॉर्मेशन समाप्त, लेकिन एक व्यक्ति बच गया, वो नाम है टी। जो इन अब ऊपर के इंफॉर्मेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ऊपर के इंफॉर्मेशन से अब कोई मतलब नहीं है आपका। स्टेप नंबर 1 आते हैं अब हम लोग, देखिए
पहला स्टेप, हर एक से एक एक आदमी को बुलाओ। यू बुलाते हैं, यहां क्यू बुलाते हैं, इसमें पी और इसमें टी, यहां एस भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक को बुला लेना। तो बोले चार आदमी का हो गया यहां पर, ये रहेगा फैक्टोरियल फोर, स्टेप नंबर वन हो गया। देख लीजिए बढ़िया से, यू और वी में आप किसी को यू बुलाओ, वी बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। स्टेप नंबर टू आइए, अब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव यूज करते हैं, वी को बुलाते हैं। सोचिए यू है, क्यू पी और टी तो आ गया, वी को बुलाते हैं, वी यहां या यहां कहीं भी जा सकता है, यू के बगल में कहीं भी रह सकता है वी। बोले दो सीट में से एक सीट लेगा ये 2C1, ये कहीं भी जा सकता है। अभी आपको फिर है समझना, इस टाइम फिर से अलग नहीं तो वहीं पर ना, ये स्टेप ये 1 2 3 नहीं लिखना है, ठीक है ये काम किए, हम यहीं पर 2C1 लिखेंगे। तो बोले वी को यहां बैठाए, अगले स्टेप में एक और पॉजिटिव है आर, वो कहीं भी यहां बैठ सकता है, क्यू के बगल में कहीं भी बैठ सकते हैं आप आर को, दोनों में से किसी भी सीट पर, जैसे इन दोनों सीट में से आप कहीं भी वी बैठ सकता था। तो बोले इसके लिए फिर 2C1, वी यू हो गया, इधर बैठा देते हैं आर क्यू, लेफ्ट राइट जहां बैठाना बैठाओ, और ये पीटी। अब अगले स्टेप में आइए, अब नेगेटिव पॉजिटिव सब हो गया आपका, देखिए अब आप नेगेटिव यूज करेंगे। एस कहा मैं पी के बगल में नहीं बैठूंगा, अब बोले एस के लिए एक सीट यहां, यहां बीच में जा सकता है, यहां नहीं जा सकता, पी का पड़ोसी होगा, यहां भी नहीं जा सकता है, इधर जा सकता है। तो एक दो और तीन, तीन सीट है एस के लिए, एस इन तीन सीट में कहीं भी रह सकता था, पी के बगल में नहीं बैठेगा, 3C1। बोले सब लोग आ गए, दो दो चार, एक पांच, दो सात, सब आदमी आ गया, आंसर तैयार, फैक्टोरियल फोर इंटू 2C1 इंटू 2C1 इंटू 3C1 हो गया, आपका आंसर तैयार है। फैक्टोरियल फोर हो गया 24 गुना 2 48 गुना 2 96 और गुना 3 288। हम 288 तरीके से इन लोगों को इस शर्त के अनुसार बैठा सकते थे। समझना है तो ये काम था, वहां पर ना कुछ नहीं करते, यहां तक तो लिखते हैं, ये दोनों लिखते हैं, वी के लिए एक जगह दो, यहीं पर आप सीधे फैक्टोरियल फोर लिखते, पहले वी के लिए 2C1 लिख लेते, फिर R के लिए फिर 2C1 लिख लेते, तो आपका ये ग्रुप अपने आप बन जाता। तो S के लिए आप देखते यहां जा गया, यहां जाएगा, यहां जाएगा, सीधा 3C1 लिख लेते। इस स्टेप के बाद सीधा ये स्टेप ये बनेगा, इतना लिखते और S के लिए जगह मिल जाता, यहां मेंशन कर देते। तो ये आपका UQPT के लिए, ये चार आदमी के लिए। इसके बाद ये V को बुलाए, ये R को बुलाए, और S के लिए ये जगह था। इसलिए सुविधानुसार पहले पॉजिटिव यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं नेगेटिव ही पहले यूज करता तो एस के लिए एक सीट, यहां मना, यहां मना, दो सीट, तीन सीट, 3C1, फिर वही चीज होता। शब्द कैबेज में सभी स्वर लगातार क्रम में हैं, कितने प्रकार से शब्द के अक्षरों का क्रम संभव है। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कैबेज में वॉवेल सब लगातार है, वॉवेल ए, ए और ई, ये तीनों लगातार चाहिए, सी बी बी जी,
इन पर कोई शर्त नहीं है, फ्री। इनमें से एक को बुलाते हैं, ए को, ये सी बी बी और जी बुलाएंगे, तो एक दो तीन चार पांच, इस स्टेज पर हो गया फैक्टोरियल फाइव, जिसमें ये लोग आ गए ए सी डबल बी और जी। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखिए, अब एक ए और आ जाएगा यहां पर से, वो इसमें कहीं भी बैठ सकता है, कहीं एक तरफ बैठा दीजिएगा, दो में से कोई एक सीट ले लेगा, टू सी वन। अब देखिए, अब आपके पास सिर्फ ई बच गया, जो वॉवल के ग्रुप में ही बीच में कहीं आएगा, तो यहां जा सकता था, यहां और यहां जा सकता था। ई के लिए देखिए तीन सीट है आपका, ये तीन सीट में कहीं भी आप भेज सकते थे, जहां मर्जी तीन में भेज देते। तो अगले स्टेप में ई के लिए आप कहीं भी भेज सकते थे उसको, ये थ्री सी वन, ये तीन में से कहीं भी जा सकता था। हो गया, आपका आंसर तैयार है। ये मन में आएगा कि वॉवेल को इधर क्यों बीच में रखते, उसी के लिए तो फैक्टोरियल फाइव यूज किए, लेकिन अभी आंसर हम देंगे नहीं, ठीक है, कैलकुलेशन तैयार आपका है। टू सी वन इंटू थ्री सी वन, फैक्टोरियल फाइव का वैल्यू होता है 120 गुना दो गुना तीन, तो ये 720 आंसर अभी नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, आप सीख चुके हैं ए का यूज डबल है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू ए के लिए, बी का यूज भी डबल है, ये बी के लिए, आंसर था 120 यानी 720 बटा 4, 180। रिपीटेड होने के कारण ये आपका डिवाइडेड हो जाएगा यहां, बाकी अपना इसलिए शुरू में डबल हो रहा था तो सोचने में लग गया कैसे काम करें, आप उसको अलग अलग मान करके चलिए और बना लीजिए, जो रिपीट हुआ है बाद में उसको डिवाइड कर देंगे इस तरह से, वो आप अलग से सीखे हुए थे उसका यूज हो गया, यानी जो सेकंड कॉन्सेप्ट था वो यूज हो गया इसमें आपका। और सीखते हैं, इस बार ये पांच व्यक्ति है ए बी सी डी और ई, इनको ये पांच सीट पर आपको बैठाना है। शर्त यह है, इस जगह पर या तो बी या सी रहेगा, या तो बी या सी रहेगा, यह शर्त है, और इस जगह पर एक वॉवेल होगा, यानी यहां पर स्थान के अनुसार शर्त है, वहां वो बैठेगा वहां वो बैठेगा, ऐसा है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व जब करते हैं आप, लैंग्वेज में रहता बाएं छोर पर बी या सी है और दाहिने से दूसरे स्थान पर एक स्वर है, आप कितने तरह से इन पांच अक्षरों को अरेंज कर सकते हैं, तो जो शर्त वाला चीज है ना इसको पहले यूज करना। जैसे यहां बी या सी में कोई एक आएगा, ये टू सी वन, ए और ई दो वॉवेल है तो इन दोनों में से कोई एक आएगा, चाहे ए चाहे ई यहां आएगा, इसके लिए भी टू सी वन। इसलिए जिनके साथ शर्त है पहले वो यूज कर लो। अब तीन सीट देखिए बच गया, एक ये और एक ये, तीन सीट बचा है, जो तीन अक्षर बचेगा वो तीन सीट में कहीं भी बैठ सकता है, उसके लिए फैक्टोरियल थ्री। जो तीन सीट बच गया, एक ये और एक ये, इन तीनों के लिए फैक्टोरियल थ्री, आंसर तैयार है। टू सी वन का वैल्यू दो, फिर टू सी वन का वैल्यू दो,
फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6, यानी 24 तरीके से आप अरेंज कर सकते थे। शर्त के अनुसार पहले सीट पर बी या सी रहेगा और दाहिने से दूसरे सीट पर वॉवेल होगा, तो शर्त के अनुसार हम उसे 24 तरीके से उसे अरेंज कर सकते थे। तो जैसे जैसे शर्त जिन स्थान की बात करेगा उस हिसाब से काम करेंगे आप। और जितना सीट बच जाएगा उतना फैक्टोरियल, ये नहीं गलती करेंगे कि अच्छा यहां दो है तो इसके लिए टू सी फैक्टोरियल टू, उसके लिए अलग फैक्टोरियल वन, वो नहीं। ये तीन सीट पर तीन मित्र कहीं कोई बैठ सकता है, इसलिए जो बच गया तीन उसके लिए फैक्टोरियल थ्री है। देखिए चार व्यक्ति है, एक दो तीन चार सीट लगा दिया, छोर पर पी और तथा क्यू है, मान लीजिए यहां पी तो यहां क्यू जाएगा, ये छोर पर है, बीच में कोई शर्त नहीं, इन दोनों में से एक सीट एक आदमी यहां जाएगा 2C1। अब यहां 2C1 नहीं होगा क्योंकि दो में से जब एक आदमी को आप यहां रख लीजिएगा तो यहां एक ही आदमी बचेगा, मान लो यहां पी आएगा तो यहां क्यू सिर्फ बचेगा और यहां क्यू आ गया तो यहां सिर्फ पी बचेगा, इसलिए इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, एक तो यहां यूज हो गया, इसके लिए आपका 1C1। दोनों में से एक यहां यूज होगा तो एक बचेगा यहां पर, इसलिए वो तो जाएगा। इन दोनों में आर और एस में कोई शर्त है नहीं, इसलिए ये फैक्टोरियल टू, ये दो सीट में फैक्टोरियल टू हो जाएगा। आंसर तैयार, 2C1। फैक्टोरियल टू और 1C1, दो गुना दो गुना एक, चार तरीके से आप अरेंज कर सकते थे। ठीक है, मान लो पी पहले होता तो क्यू बाद में, या क्यू पहले होता तो पी बाद में, आर पहले एस इधर या एस ऐसे, क्यू होता तो आर एस पी या क्यू होता तो एस आर पी, चार तरीके से था। छोर पर पी और क्यू रहेगा, शब्द अनियन के अक्षरों में पांच है, एक दो तीन चार पांच, पहले स्थान पर स्वर है, बोले यहां वॉवेल, तीसरे पर भी वॉवेल और यहां कॉन्सोनेंट, ये आपके पास क्वेश्चन था। वॉवेल्स आपके पास ओ है, आई और ओ है, और कॉन्सोनेंट आपके पास एन है, दो, इसलिए डबल वॉवेल है तो अभी चिंता नहीं करनी है आपको। बोले तीन वॉवेल में से एक वॉवेल यूज होगा 3C1, एक वॉवेल जब यहां यूज हो गया तो यहां के लिए दो ही वॉवेल बचेगा, बोले तीन जब आपका एक यूज हो जाएगा तो यहां के लिए दो ही बचेगा आपका, ये 2C1। कॉन्सोनेंट दो है तो दो में से एक यूज करेंगे 2C1। अब ये दो सीट पर जो बच जाएगा अक्षर उसके लिए काम करना होगा फैक्टोरियल टू, इसके लिए फैक्टोरियल टू। अब देखिए आंसर तैयार है, 3C1, ये 3C1 इंटू फैक्टोरियल टू, ये वाला हो गया इंटू 2C1 इंटू 2C1, आंसर अभी नहीं होगा। यहां पर ओ का यूज डबल है, एन का यूज भी डबल है, तीन गुना दो गुना दो गुना दो डिवाइडेड बाय दो गुना दो, छह तरीके से आप अरेंज कर सकते थे जिसमें पहले और तीसरे पर वॉवेल होता और अंतिम में कॉन्सोनेंट होता।
देख लीजिए ध्यान से। सीखते हैं आप, देखिए कॉन्सेप्ट वही है लेकिन हर एक में एग्जाम्पल में कुछ नई नई बात। 11 नंबर का अलग था वैरायटी, 12 नंबर अलग था, उसमें रिपीटेड वाला हो गया। इसमें सिंपल है, एक दो में से एक यूज हुआ, जो बच गया वो यहां यूज करना था। 13 नंबर 11 नंबर से मिलता जुलता है लेकिन देखिए थोड़ा अंतर क्या है। चार सीट है, पहले स्थान पर ओ या एस होगा और अंतिम स्थान पर आर या एस होगा। अब यहां 2C1 और फिर यहां 2C1 और फैक्टोरियल 2 नहीं करेंगे आप, गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने कहा नहीं 2C1 और इन दोनों में से एक हो गया और बीच के लिए फैक्टोरियल 2, तो 2 × 2 × 2 = 8, ये गलत हो जाता आंसर। इसलिए गलत हो जाता, देखिए पहले सीट पर ओ और एस, दूसरे पर आर या एस, यानी वही एस यहां भी है, वही एस यहां भी। इसमें क्या करना चाहिए, मान लो पहले सीट पर ओ आता तब अंतिम सीट पर आर या एस होता, यानी 1C1, ये दो में से कोई एक आता 2C1 और बीच में फैक्टोरियल 2। दो कंडीशन आप शुरू में ही सोच लीजिए, बोले एक कंडीशन ये बनाते इसके अनुसार, देखिए 1C1 का 1, फैक्टोरियल 2 का 2, 2C1 का 2, चार तरीका, ये होता चार तरीका आपका। एक कंडीशन और लेते हैं आप, यहां ओ या एस होता, मान लो एस आता 1C1, अब बोली इस केस में आर ऑब्लिक एस नहीं होगा, सिर्फ आर होगा, क्योंकि एस तो यहां आ चुका, इसलिए ये भी होता 1C1, ये भी होता 1C1 और ये बीच में फैक्टोरियल 2, 1 × 2 × 1, ये दो ही तरीका से, यानी ओ रख करके चार तरीका, एस रख करके दो ही तरीका बनता। इन दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि एक अलग है आपका सिलेक्शन अरेंजमेंट, ये एक अलग है, ये इंडिपेंडेंट है, तो आंसर हो जाएगा 4 और 2 जोड़ देंगे 6। इस केस में ये था, यही अक्षर दोनों जगह है, यूज तो एक ही जगह होगा ना, इसलिए इसमें अलग अलग कंडीशन ऐसे बना करके आप चलेंगे। लिख लीजिएगा, मैथ्स में ये कॉन्सेप्ट याद ध्यान रखिएगा, जो आपको 6-7 डिजिट देता है और कहता है कि 4 अंकों की सम संख्या बनाएंगे तो कितनी संख्या बनेगी बतलाना, उन समय यही कॉन्सेप्ट फिर काम आता है। आपको जो डिजिट दिया जाएगा उसमें 0, 2, 4, 6, 8, उसमें जो रहेगा एक बार यहाँ लास्ट में डाल लेंगे 0 मानकर, एक बार 2 रख करके, एक बार 4 रख करके, और फिर जो डिजिट बचेगा इधर अपना अरेंज करके आप काम कर लेंगे। हमने पहले ही कहा कि हम लोग जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो रीजनिंग के हिसाब से रहेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आप मैथ्स में भी यूज करेंगे। क्वेश्चन 14 में देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, 7 व्यक्ति एबीसीडी ईएफजी पंक्ति में बैठे हैं, ठीक मध्य में सी या डी नहीं है, तो 7 का मध्य ये होगा, यहां सी और डी मना है, ध्यान दीजिएगा, न सी जाएगा न डी जाएगा, मना है, दोनों मना है, न सी रहेगा न डी रहेगा, मना है दोनों। बाएं छोर पर ए या जी है, दाहिने छोर पर बी आई है,
हो गया। जब पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों रहे ना, हमेशा पॉजिटिव इंफॉर्मेशन पहले यूज करेंगे। बोले 2C1, यहां भी दो में से कोई यूज करेंगे, एक सात में से एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया। तो बीच के सीट के लिए देखिए सी और डी भी मना है। मान लो ए यहां यूज करते तो जी बचता, और अगर यहां बी यूज करते तो ई बचता। एक यहां खत्म, एक यहां समाप्त, दो और दो खुद चार, सात में चार समाप्त हो गया, तीन बच गया, 3C1। सोचिए यहां पर क्या होता, ए और जी में से कोई एक आता और बी और ई में से कोई एक होता, सी और डी तो आएगा नहीं, एक एफ आ सकता है। तो एक यहां, एक यहां, एक यहां, तीन में से कोई एक अक्षर, और एक दो तीन चार, इन चार चीज के लिए फैक्टोरियल फोर, इन चार चीज के लिए फैक्टोरियल फोर। आंसर तैयार हो गया, 2C1 इंटू 3C1 इंटू फैक्टोरियल फोर इंटू 2C1। बस यही आपको सॉल्व करना था। ये दो गुना तीन छ गुना 24 144 गुना दो 288, आंसर 288। दो सौ अट्ठासी तरीके से आप सीक्वेंस बना सकते हैं।